हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीडीएल के बारे में जिसको यूज़ करके आप आपका जो गोडाउन है उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, ताकि सपोज करो कि आपके अलग अलग वाउचर टाइप है और उसमें आपके मल्टीपल लोकेशंस भी है, अगर तो आपको वहाँ पे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक लोकेशन को प्री डिफाइन या तो फिक्स कर सकते हैं, ताकि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे फॉर उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के लिए, तो वहाँ पे वो गोडाउन जो है वो पहले से ही सिलेक्ट करके आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक TDL की ज़रूरत पड़ेगी। वो TDL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको फिर टैली में हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो टैली में अटैच कैसे करना है आपको पता है। यहाँ पे हम F1 हेल्प में जाएंगे, ठीक है, TDL एडवांस में जाएंगे एंड यहाँ पे मैनेज लोकल TDL F4 में जाएंगे, और यहाँ पे वो जो TDL आप डाउनलोड करे हुए उसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले हम यहाँ पे जाते हैं किसी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे गोडाउन का सिलेक्शन आ रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ पे 3 गोडाउन है, तो यहाँ पे गोडाउन का सिलेक्शन आ रहा है, ये मेन लोकेशन, शॉप एंड वेयरहाउस। अभी यहाँ पे मुझे सिलेक्शन ना आए, लाइक कभी कभी ऐसा होता है, कभी गलती हो जाती है सिलेक्शन करने के टाइम पे, कुछ गोडाउन अननेसेसरी क्रिएट हो चुके हैं या तो अभी यूज़ में नहीं है। तो सपोज करो कि आपको गोडाउन फिक्स कर देना है कि भाई जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसी गोडाउन से ट्रांजेक्शन होगा, या तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वाउचर टाइप है, डेटा एक ही है बट अलग अलग शॉप्स है सपोज करो, तो आपने उसके हिसाब से अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट किए हैं, तो पर्टिकुलर एक वाउचर टाइप के लिए कौन सा गोडाउन आपको यूज़ करना है। ठीक है, कि एक वाउचर टाइप के लिए आपका शॉप होगा, दूसरे वाउचर टाइप के लिए आपका वेयरहाउस होगा और तीसरे वाउचर टाइप के लिए आपका मेन लोकेशन होगा, तो ऐसे आपको फिक्स करना है तो भी आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन आ रहा है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे ये करते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर टाइप के सेटिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर में और यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर टाइप में। ठीक है, तो वाउचर टाइप यहाँ पे ऊपर है, वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कि भाई यूज डिफॉल्ट गोडाउन, तो इसको यस करके आप यहाँ पे आपका जो भी गोडाउन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल सेल्स वाउचर है उसको मैं मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड एक और हम बना देते हैं वाउचर टाइप के में सेल्स फ्रॉम शॉप। ठीक है, और यहाँ पे अंडर सेल्स हम ले लेते हैं और यहाँ पे भी सेम गोडाउन को यस करके हम शॉप ले लेते हैं और इसको कर दिया हमने सेव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी क्या इसका रिजल्ट है हम यहाँ पे देखते हैं। हम जाएंगे वाउचर में एक नया ट्रांजेक्शन करने के लिए, पार्टी हमने कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, एंटर एंटर कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, सेल्स लेजर यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे आइटम 1 और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ये वो मेरा नॉर्मल वाउचर टाइप थी, मेन लोकेशन जो हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है पहले से, वो मेन लोकेशन ऑटोमेटिक आ रहा है मुझे। यहाँ पे फिर से एक बार बैक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट करके आ जाएगा। आप यहाँ पे बैक कर रहे हैं, फिर से एंटर कर रहे हैं, मेन लोकेशन आप देख सकते हो कि ऑलरेडी आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्टेक्ट डालनी है, एंटर एंटर करके आपको सेव करना है, दैट्स इट। ठीक है, सेम वे हम वाउचर टाइप को चेंज करते हैं, सेल्स फ्रॉम शॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेम पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं लेट्स से एंड यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आ चुका है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, शॉप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ रहा है और फिर इसमें से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट। तो ये था दोस्तों TDL, सिंपल सा TDL है जहाँ पे आप वाउचर टाइप में वो गोडाउन फिक्स कर सकते हैं, देन वो गोडाउन ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अगेन आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका प्यार देते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।